सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए द टेकी इंडियन के फ्रेश एपिसोड्स सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सागर द टेकी इंडियन, लेकर आया हूं एक और फ्रेश एपिसोड आपके लिए, जो कि है लॉन्ग लॉन्ग अवेटेड सैमसंग मॉनिटर का रिव्यू, जो कि मेरा डेली ड्राइवर मॉनिटर है। तो ये वीडियो बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट किया था मेरे प्ले स्टेशन रिव्यू में, अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखा तो प्लीज जाके देखिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। तो चलिए शुरू करते हैं रिव्यू, लेकिन उससे पहले अगर आप ऐसे ही टेक वीडियोज देखना पसंद करते हैं तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि हर एक ऐसा फ्रेश एपिसोड आप सबसे पहले देख सके। तो ये है सैमसंग का CF591 कर्व मॉनिटर, जिसकी प्राइस टैग है तकरीबन 30,000 रुपीस। अगर आप किसी बेहतरीन ऑफर में इसे खरीदते हैं तो आपको ये कम से कम 25,000 रुपीस में मिल जाएगा। उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो के अंत में कि कैसे आप इस पे एक बेहतरीन डील पा सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ बात करेंगे डिजाइन की। इस मॉनिटर का डिजाइन बड़े कमाल का है। फ्रंट ऑलमोस्ट बेजललेस है, एक्सेप्ट बॉटम चिन, जहाँ पे कुछ खास नहीं है, सिर्फ एक LED इंडिकेटर है राइट पे और सैमसंग ब्रांडिंग है मिडिल में। जो डिस्प्ले है वो कर्व्ड है, जो कि इस मॉनिटर का सिग्नेचर फीचर है। ये एक 1800R का कर्व है। ये कर्व इतना सिग्निफिकेंट बड़ा नहीं है, आप जब इसे डे टू डे चीज़ों के लिए इस्तेमाल करेंगे तो आप बिल्कुल भी कर्व नोटिस नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक चीज इस कर्व से इम्प्रूव होती है, वो है व्यूइंग एंगल्स, जो कि इस मॉनिटर के लिए सॉलिड रही है, कंसिडरिंग ये एक LED मॉनिटर है और कर्व होने की प्राइमरी वजह यही भी है। और डिस्प्ले की बात करूं तो ये है 27 इंच 1080p मॉनिटर, एंड ये डिस्प्ले बहुत ही वाइड, कलरफुल एंड क्रिस्पी है। सरप्राइजिंग बात मेरे लिए ये रही कि फैक्ट्री कैलिब्रेशन इसकी 99% sRGB कलर गैमेट डिस्प्ले कर सकती है। तो ये बहुत ही कमाल की बात है अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं, अगर आप अपना कंप्यूटर यूज करते हैं फोटो एडिटिंग और वीडियो एडिटिंग जैसे चीजों के लिए, तो ये स्क्रीन आपके लिए परफेक्ट रहेगी। लेकिन बात हो रही है एक मॉनिटर की, तो गेमिंग को नहीं भूल सकते। एक्चुअली सैमसंग ने इसे गेमिंग मॉनिटर के तौर पर नहीं बनाया, फिर भी इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस बहुत ही सॉलिड रही है मेरे यूजर एक्सपीरियंस में। हालांकि मैं अपना PS4 इस्तेमाल करता हूँ गेमिंग के लिए, ना कि PC, तो ये जज करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन मेरे यूजर एक्सपीरियंस में आप लाइट गेमिंग बहुत ही अच्छे तरह से कर सकते हैं। इस मॉनिटर की रिफ्रेश रेट है 70 Hz और इसका रेस्पॉन्स टाइम है ग्रे टू ग्रे 4 ms का। तो गेमिंग बहुत ही अच्छे तरह से कर सकते हैं आप, AAA टाइटल्स 1080p में हाई सेटिंग्स में अच्छे तरह से खेल सकते हैं। लेकिन ये हार्डकोर गेमर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है, जिनके लिए 1 ms भी बहुत ही कीमती होता है। तो उनके लिए सैमसंग ने एक अलग सा मॉडल बनाया हुआ है, जो कि है 24 इंच का कर्व मॉनिटर, जो कि टारगेटेड है गेमर्स के लिए। तो आप वो कंसिडर कर सकते हैं अगर आप अपना मॉनिटर प्राइमरली बहुत ही इंटेंसिव गेमिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं तो। लेकिन ये मॉनिटर परफेक्ट नहीं है। दो चीज़ें जो कि बहुत ही पेनफुल है वो मैंने डिस्कवर की है, वो है इसकी हाइट हम एडजस्ट नहीं कर सकते, इसकी टिल्ट हम एडजस्ट नहीं कर सकते। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस मॉनिटर की, वो है इसका यूज़र एडजस्टमेंट बटन, जो कि है एक सिंगल जॉयस्टिक। जॉयस्टिक प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम है उसकी बिल्ड क्वालिटी। जॉयस्टिक जो है वो चिप प्लास्टिक से बना हुआ है और मुझे डर है कि कहीं मैं इसे डेली यूसेज में तोड़ ना दूं। लेकिन अगर आप ओवरऑल एक बेस्ट मॉनिटर खरीदना चाहते हैं, जो कि गेमिंग भी अच्छी कर सकता है और डे टू डे चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा मॉनिटर है, आप डेफिनेटली इसे कंसिडर कर सकते हैं। इसकी प्राइस पॉइंट 30,000 थोड़ी ओवर प्राइस ज़रूर है, लेकिन अब मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप ये मॉनिटर बहुत ही चीप में खरीद सकते हैं, और वो है सिंपली आपको पेटीएम मॉल से ये मॉनिटर खरीदना है। ये ऑलरेडी बहुत ही कम दाम में इसे डिस्प्ले कर दिया है पेटीएम में, और इसके साथ साथ आपको 4,000 रुपीज ऑलमोस्ट आपको कैशबैक में मिल रहा है। तो ये मॉनिटर तकरीबन आपको मिल सकता है 21,000 रुपीज तक, ये डिपेंड करता है आप किस वक्त ले रहे हो। ये पेटीएम मॉल पे ऑलरेडी बहुत ही चीप में डिस्प्ले कर दिया गया है, और इसके साथ साथ आपको मिल रहा है 3-4,000 का कैशबैक भी। तो ये बहुत अच्छी डील है, अगर आप ये खरीदना चाहते हैं तो पेटीएम मॉल से खरीदे। ये कोई स्पॉन्सर्ड या पेड प्रमोशन नहीं है, लेकिन एक सिंपली मेरा एक तरीका है चीप में प्रोडक्ट्स खरीदने का। आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं और बेहतरीन कैशबैक डील्स पा सकते हैं। तो ये है एक छोटा सा हैक जो मैं इस्तेमाल करता हूँ ऑनलाइन शॉपिंग के वक्त, लेकिन बहुत से है मेरे पास। तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं फ्यूचर वीडियोस में इसके बारे में डिस्कस करूंगा। और दैट्स बीन इट, अगर आपने ये वीडियो एंजॉय किया तो प्लीज लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट सेक्शन में डालना ना भूले। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलूंगा अगले एपिसोड में, जो कि है इस मॉन्स्टरस लैपटॉप का रिव्यू। तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब करें, एंड दैट्स बीन इट। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। मैं सागर द टेकी इंडियन साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। जय हिंद।